क्या करा तो रहने अपने फाइल बैलून में खुद सारों में हवा भरी है उन्हें भी भरी है। खैर ये शॉर्ट है, बाकी आपने ब्लॉग को एंड तक क्लास में देखना है। अपनी पार्टी पे डेकोरेशन का सारा सामान खुद ही भरा है। भरो भरो भरेगी भरेगी अभी। हाँ हाँ अब भरेगी। ये देखो मम्मी के दूध के साथ। मामा अपने घरों की देखिए, मेरे साथ तो कोई मैच ही नहीं हो रहा। हम से खराब हो जाएंगे। पी पी फू फू। ये क्या है? पी पी फू फू। ये स्पेलिंग के हैं? ये हैप्पी बर्थडे क्या लिखा? मम्मी फू फू। ये नो हाँ अब ए यहाँ से थोड़ी छोड़ो हाथ। हाँ अब हो उठा लेते हैं। बैलून तो भरने हैं हमने। ये देखें जी, सो अब हमने सारी डेकोरेशन कर ली है। फॉइल बैलून भी हमने सारे हवा भर के उनमें लगा दिए हैं, और जो दूसरे वाले थे वो भी उन्होंने भर के लगा दिए हैं। और ये इस दफ़ा हमने अपने कर्टन्स के ऊपर ही लगा दिए हैं। पहले हमने फॉइल वाले कर्टन्स लगाए थे लास्ट टाइम, तो वो पता नहीं यहाँ का जो जगह है उसके हिसाब से हवा की कोई ऐसी डायरेक्शन है, तो वो रुक ही नहीं रहे थे, वो बहुत ज़्यादा उलझ जाते थे, तो वो उनकी लुक बहुत ही बुरी लग रही थी, वो अच्छी नहीं लग रही थी उससे, उसकी बल्कि सारी थीम्स ख़राब हो गई थी और वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर हमने इसका बैकग्राउंड वो ही गोल्डन, ये वो कर्टन्स के उसका स्टाइल आ गया, और इसके ऊपर हमने ये फॉइल वाले बैलून्स लगा दिए। तो बस खैर ये हो गया, अब हमारी सारी डेकोरेशन हो गई है। मैं यहाँ से सारी क्लीनिंग कर रही हूँ, डस्टिंग वगैरह करके सारा साफ़ कर दूँगी, और फिर उसके बाद कुरतुलैन को भी रेडी करूँगी और खुद भी रेडी होंगी। बस उसको तो जल्दी थी कि बहुत जल्दी बस केक कट जाए, बस पार्टी यही होती है कि केक कट जाता है और पार्टी हो जाती है। तो मैंने बड़ी हिफाजत से केक को रखा था कि टाइम से पहले ही ना कहीं कट कर दे, तो उसका भी एक मेरे ऊपर टास्क था कि मैंने उसको भी बड़ी हिफाजत से रखना था। तो बाकी उसको पहले इसका भी हो रहा था कि मैं बैलून्स वगैरह लगाऊं और ये करूं, फिर उसको बस केक का था, ये लग गए तो बस अब मुझे केक दे दो मैं काट दूं, बाकी मुझे रेडी वगैरह नहीं होना। तो खैर ये था मेरा ब्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट पार्टी वाला ज़रूर देखिएगा। तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए अल्लाह हाफिज़।